हेलो स्टूडेंट, आज हमारा क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, तो हम लोगों को क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 13 से अपनी बात आगे स्टार्ट करनी है। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखो, थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ को छोड़कर, यानी जो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है और उसकी एप्लीकेशंस लाइक हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड कारनोट इंजन, उन चीज़ों को छोड़कर ऑलमोस्ट हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के अंदर सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, सो आज हम लोगों को स्टार्ट अपनी बात जारी रखनी है क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा था कि हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन निकालना, इंटरनल एनर्जी निकालनी, इन सब की बातें हम लोग कर रहे थे। उसी बात को हमें अपना कंटिन्यू रखना है बच्चों। ठीक है, देखिए हमारे पास में बच्चों ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपके सामने दी गई है, क्या है जरा समझिएगा आप लोग। प्रॉब्लम ये है, 2 moles ऑफ ए गैसियस मिक्सचर हैविंग वॉल्यूम वी, वॉल्यूम स्टूडेंट दे रखा है वी, एंड टेम्परेचर टी, आर कंप्रेस्ड 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, फाइंड द चेंज इन एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। सो स्टूडेंट, हम लोगों को ये बताना है कि एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी के अंदर कितना चेंज आने वाला है। बच्चों ये अपने पास में प्रॉब्लम है और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। बच्चों हमें फाइंड आउट करना है एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस की कंप्रेसिबिलिटी होती कितनी है। पहले तो आप ये जानिए कि कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी होती है इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल। अगर हम इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल कर दें तो कंप्रेसिबिलिटी निकल जाएगी। सो, अगर हम लोगों को कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट, तो हमारे पास में कंप्रेसिबिलिटी की कंडीशन ये होगी, C1 इज इक्वल टू 1/ गामा P1। ये मैं आप लोगों के सामने ये कह सकता हूँ कि मैंने ये माना इनिशियल प्रेशर पी है, मैंने अपनी तरफ से ही मान लिया कि भैया इनिशियल प्रेशर P1 है। एडियाबेटिक की इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है गामा पी। ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस अपने पास में होता है, इसकी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट गामा पी। तो मैंने अगर इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया तो ये इलास्टिसिटी बन गई। सो मैं बच्चों ये कह सकता हूँ कि दिस इज द इनिशियल इलास्टिसिटी। ओके, अच्छा बच्चों, मैंने माना कि कुछ देर के बाद में, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में, ध्यान से जरा समझिएगा आप लोग, हमारा प्रेशर चेंज होकर पहुंच जाता है P2 पर। पहले प्रेशर कितना था? P1, अब प्रेशर कितना है? P2। तो इलास्टिसिटी मेरे पास में हो गई है 1/ गामा P2। भाई एडियाबेटिक की इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तो बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को, गामा पी, उसका उल्टा कर दिया तो इलास्टिसिटी बन गई। मुझे बताना है स्टूडेंट चेंज इन इलास्टिसिटी, यानी मुझे बताना है डेल्टा सी। डेल्टा सी को मैं लिख सकता हूँ C2 - K C1। सो डेल्टा सी इज इक्वल टू 1/ गामा, स्टूडेंट कॉमन आएगा और अंदर बचेगा मेरे पास में 1/P2 - 1/P1। ये मेरे पास में चेंज इन इलास्टिसिटी की कंडीशन आ गई है। लेकिन अभी मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, भाई देखो, पूरे क्वेश्चन में प्रेशर की बात कहीं कर तो नहीं रखी है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से लगाया कि जो मुझसे पूछा था मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बात बनाई है। तो प्रेशर की बात पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं कर रखी है, यानी हमें आंसर प्रेशर के टर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए टेम्परेचर के टर्म में, नंबर ऑफ मोल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूम, इनके टर्म में हम लोगों को आंसर चाहिए। यहाँ आंसर आ रहा है प्रेशर के टर्म में, तो हमें कुछ भी करके इस प्रेशर को, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में ले जाना पड़ेगा। अब कैसे लेकर जाते हैं जरा समझिए आप लोग इस बात को। उसने ये कहा 2 moles ऑफ ए गैसियस मिक्सचर हैविंग अ वॉल्यूम वी, इनिशियल वॉल्यूम वी है। ठीक है, देखो मैंने माना कि इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V, तो ये हो गया P1 V टू दी पावर गामा, फाइनल प्रेशर है P2,
और फाइनल वॉल्यूम हो चुका है 1/4 V की होल पावर गामा। भाई मैंने कंडीशन ऑलरेडी बच्चों आपको पढ़ा रखी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है P1V1 की पावर गामा ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो अब यहीं से अगर हम इसे सॉल्व करें, इनिशियल प्रेशर मैंने P1 माना, मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताया, फाइनल प्रेशर मैंने P2 माना, मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताया, इनिशियल वॉल्यूम V हमें गिवन दे रखा है और फाइनल वॉल्यूम स्टूडेंट हम लोगों को दे रखा है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। गामा की वैल्यू अपने पास में है 3/2, सो स्टूडेंट P1V2 3/2 इज इक्वल टू P2V/4 की होल पावर 3/2। ये बन गई है कंडीशन अपने पास में। सो P1V2 3/2 इज इक्वल टू P2V/3/2 और अगर हम 4/3/2 करेंगे बच्चों तो 8 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 4 को आप क्या लिखोगे, 2/2 की होल पावर 3/2, वो 2 से वो 2 कैंसिल आउट, 2/3 ये बन जाएगा 8। अब देखो कि दोनों तरफ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, V/3/2 से V/3/2 कैंसिल आउट। सो स्टूडेंट P2 = 8P1। बच्चों हमारे पास में P2 की वैल्यू आ गई है 8P1। P2 = 8P1। उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने P2 और P1 के बीच में रिलेशन बना दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम P2 की जगह 8P1 पुट करते हैं। देखो जैसे ही हम लोग P2 की जगह 8P1 रखेंगे, सो डेल्टा सी इज इक्वल टू 1/γ। P2 की जगह आएगा बच्चों 8P1 - 1/P1। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। सॉल्व करके आंसर बनेगा माइनस के 7 8P1 और नीचे है गामा। इसे सॉल्व करके आ गया है माइनस के 7 8P1 गामा। भाई गामा की वैल्यू बच्चों हमारे पास में पहले से है 3/2। हम गामा की जगह रखेंगे 3/2, समझ रहे मेरी बात। लेकिन अभी भी हमारे आंसर में प्रेशर का टर्म आ रहा है और वो प्रेशर का टर्म है P1। उस P1 को भी हमें कुछ भी करके एलिमिनेट करना है, इस P1 को हमें यहाँ से हटाना है। P1 को मैं यहाँ से कैसे हटाऊंगा, मुझे प्रेशर के टर्म में आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए वॉल्यूम के टर्म में या टेम्परेचर के टर्म में। तो हम लोग एक काम करेंगे बच्चों, इस P1 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए हम लोग लिख देंगे PV = nRT। सो P1 = nRT/V। nRT/V, बस बच्चों आपको एक काम करना है, P1 की वैल्यू nRT/V को यहाँ से उठाकर P1 की जगह रखना है और नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं 2। N की जगह आप लोग रखेंगे 2, ये R, ये T, ये कैपिटल V, यहाँ पुट करेंगे आंसर बन जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी के अंदर जो चेंज आने वाला है वो इतना आने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है, समझिएगा जरा ध्यान से। ये इलास्टिसिटी होती है, अगर मैंने इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बन गई कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी का मैंने उल्टा कर दिया तो ये बन गई कंप्रेसिबिलिटी। मुझे कंप्रेसिबिलिटी के अंदर चेंज चाहिए बच्चों, तो मैंने एक काम किया, फाइनल कंप्रेसिबिलिटी में से इनिशियल कंप्रेसिबिलिटी को माइनस कर दिया, ये टर्म आ गया। हालांकि ये भी मेरा आंसर हो सकता है लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रेशर की बात नहीं कर रखी है, मुझे दे रखा है टेम्परेचर, मुझे दे रखा है वॉल्यूम, मुझे दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल। तो पहले मैं इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा, उसके बाद में प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर में आर में वी में वहां से कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करके आंसर हमारा बन जाएगा। तो बच्चों हमने दोनों प्रेशर में रिलेशन बनाने के लिए, चूंकि हमें पता है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की ये इक्वेशन अपने पास में होती है, ये इनिशियल प्रेशर, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल प्रेशर, ये फाइनल वॉल्यूम। गामा की वैल्यू 3/2 है, गिवन है, सॉल्व किया ये आंसर बना,
पुट करेंगे स्टूडेंट, आंसर निकल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन को तैयार करना है, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को हमें बनाना है। अच्छा सवाल है, बहुत धैर्यपूर्वक आप इस बात को सुनिएगा ध्यान से, फिर अपनी कॉपी में अपने आप इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करिएगा बच्चों, ठीक है? ओके, नोट करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है बच्चों, प्रॉब्लम हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। क्या है? ए मोनो एटॉमिक गैस। भाई जैसे ही तुम्हें मोनो एटॉमिक कहा गया, तुम समझ गए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। मोनो एटॉमिक गैस, तुम एकदम से समझ गए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली 8/27 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम v है तो फाइनल वॉल्यूम 8/27 v हो गया है। If initial temperature is 27 degree Celsius, find increase in temperature. देखो हम जानते हैं adiabatic process में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने गैस को compressed किया तो temperature rise कर गया। हमें बताना है कि कितना temperature rise करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर से वो टर्म उठाओ जो हम लोगों को लग रहे हैं कि यार ये की पॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट, मोनो एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, क्लियर? नंबर 2, कंप्रेस्ड वॉल्यूम की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। नंबर 3, एडियाबेटिक की बात हो रही है। ये तीन बातें बहुत है हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही है, और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है। अब याद करिए एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या इक्वेशन बनती है बच्चों। तो हम लिखेंगे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ ऐसा होता है, T1V1 की पावर गामा माइनस 1, T2V2 की पावर गामा माइनस 1। स्टूडेंट ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में अपने पास में T1V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में तो हमें लेना ही नहीं है, तो हमने 273 इसके अंदर ऐड कर दिया और बच्चों ये बन गया है 300 केल्विन। सो T1 की वैल्यू हो गई है स्टूडेंट 300 केल्विन। V1 इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है कि V है, इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों ने मान लिया बच्चों कि V है, इनिशियल वॉल्यूम V है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो गामा कितना होगा बच्चों? गामा का फॉर्मूला होता है ये 1+2/f, f की वैल्यू 3, सो स्टूडेंट ये बन गया है अपने पास में 5/3। तो V1 गामा हो गया है बच्चों हमारे पास में 5/3, 1 माइनस करेंगे तो दोबारा से 2/3 आ जाएगा, T2 हमें निकालना है, V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम। अब आप देखिए फाइनल वॉल्यूम आपसे क्या कहा है, फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम का इतने टाइम्स, इनिशियल वॉल्यूम हमने क्या माना है बच्चों V का 8/27 टाइम्स है स्टूडेंट। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है बच्चों। तो हम एक काम करेंगे, हम V2 की जगह रख देंगे 8/27 V। अगेन गामा की वैल्यू 5/3 है, 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही है, इसीलिए हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम वाली कंडीशन यहां पर इस्टेब्लिश कर दी। एफ से गामा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, इनिशियल टेम्परेचर इतना, इनिशियल वॉल्यूम इतना, फाइनल टेम्परेचर हमें पता नहीं है, फाइनल टेम्परेचर इतना है। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखो 300 वॉल्यूम की पावर 2/3 इज इक्वल टू T2, 8/27 की होल पावर 2/3, वी की पावर होल पावर 2/3। देखो वी की होल पावर 2/3 से वी की होल पावर 2/3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा बच्चों अपने पास में, जरा देखते हैं। अपने पास में बचेगा 300 इक्वल टू T2, ठीक है? 8 को हम लोग लिखेंगे बच्चों 2 और 27 को हम लोग लिखेंगे 3,
की होल पावर 3 की होल पावर 2/3। स्टूडेंट हम लोगों ने 8 को लिख लिया है 2^3, 27 को लिख दिया है 3^3। भाई 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 2 × 2 × 2 8 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 3 × 3 × 3 27 आएगा। अब आप देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास में 300 = t2। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 75, सो t2 = 75 × 9 केल्विन। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो इतना होगा, 75 की मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम लोग 9 के अंदर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि फाइनल टेम्परेचर इतना है। लेकिन ये जो फाइनल टेम्परेचर अपने पास में आएगा 75 की मल्टीप्लाई 9 में करने के बाद कितना आएगा, 75 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 9 में करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा 675 केल्विन, ये आएगा 675 केल्विन। अब इस 675 केल्विन में से अगर हम 273 को माइनस करेंगे तब जाकर ये हमारा डिग्री सेल्सियस में निकलेगा। भाई ये तो केल्विन में है, अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 को माइनस करना पड़ेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस था, माइनस करने के बाद में जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। और आप देखिए कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, इनिशियल कितना था फाइनल कितना है, दोनों का चेंज निकाल दीजिए आपका टेम्परेचर निकल जाएगा कि भाई इतना टेम्परेचर आप लोगों का स्टूडेंट इंक्रीज कर गया है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें 2-3 बातें समझने की है। पहली बात, गामा कहाँ से आया, मोनो एटॉमिक गैस से मैंने गामा निकाल दिया, ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, मैंने यही इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि एडियाबेटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में यही इक्वेशन होती है। ठीक है, और नंबर 3, V2 की जगह मैंने 8/27V मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उसने कह रखा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा और आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, जितने भी हमारे क्रैश के एस्पिरेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, ज़रूरी है कि आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखें। अच्छा, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम थोड़ा पीछे हट गया है, तो पीछे हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, मई के लास्ट वीक में होगा या जून के फर्स्ट वीक में होगा, तो इन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगाएं। नीट वाले स्टूडेंट मेंस के प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगाएं, और जेई वाले स्टूडेंट एडवांस के प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगाएं। अपने प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं, नीट वाले को अपने प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं, जेई के भी प्रीवियस ईयर लगाइए, और जेई वाले अपने प्रीवियस ईयर के साथ साथ एडवांस के प्रीवियस ईयर लगाइए, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी रहेगी, कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास में क्या है, अगली प्रॉब्लम हम लोगों को क्या दे रखी है, जरा समझनी है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मोल, नंबर ऑफ मोल 4 ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, बीइंग इनिशियली एट टेम्परेचर T0 = 300 केल्विन। स्टूडेंट जो इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों को दे रखा है वो 300 केल्विन है। देखो बड़ी सुंदर बात आती है बच्चों, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट प्रेशर बिकम्स दिस, इनिशियल प्रेशर ये है। देखो दो बातों ने एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एकदम से, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है भाई, ये मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, जरा समझिए बात को। ऑक्सीजन F की वैल्यू 5, यानी क्योंकि ये डायएटॉमिक गैस है तो गामा हो जाएगा 1 + 2/5, तो बच्चों ये हो जाना है हमारे पास में 7/5। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे पास में गामा की वैल्यू हो गई है 7/5। टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, एडियाबेटिक की बात हो रही है, ये तीन बातें हमारे लिए काफ़ी हैं। प्रेशर की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, एडियाबेटिक की बात हो रही है। तो एडियाबेटिक के लिए बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एडियाबेटिक के लिए प्रेशर में और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है ये हमें देखना है स्टूडेंट। तो रिलेशन है P1 की पावर 1 - गामा
T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा T2 टू दी पावर गामा। स्टूडेंट ये हमारे पास में एडियाबेटिक के लिए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। अब मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल काम है, मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, आगे का काम आप लोगों को खुद ब खुद अपने आप करना है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। द गैस टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन यानी फाइनल टेम्परेचर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। द वर्क दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन द गैस, क्योंकि गैस कंप्रेस्ड हो रही है और गैस के कंप्रेस्ड होने का मतलब यह है कि वर्क डन नेगेटिव है, यानी गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क ऑन द गैस हो रहा है। बच्चों गैस कंप्रेस्ड हो रही है ना, वॉल्यूम घट रहा है, खुद कहा उसने कहां पर कंप्रेस्ड, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क नेगेटिव है, यानी वर्क ऑन द गैस हो रहा है बच्चों, वर्क ऑन द गैस। सो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। इनिशियल प्रेशर पी नॉट 1 माइनस गामा की वैल्यू 7/5, T1 इनिशियल टेम्परेचर 300 और गामा हो गया है 7/5 इज इक्वल टू P2 हो गया है 128 पी नॉट 1 माइनस 7/5 और भाई T2 हम लोगों को निकालना है। मैं नहीं करूंगा आगे, आप लोगों को कैलकुलेशन अपने आप करनी है, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पी नॉट की पावर 1 माइनस के 7/5, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा पी नॉट की पावर माइनस के 2/5, सॉल्व करेंगे 300 की पावर 7/5 इज इक्वल टू 128 की होल पावर माइनस के 2/5, पी नॉट की होल पावर माइनस के 2/5, T2 की होल पावर 7/5। स्टूडेंट ये कंडीशन बन गई है अपने पास में। देखो दोनों तरफ से हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पी नॉट से ये पी नॉट अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों बताइए होगा या नहीं होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे T2 निकालना है। आप लोग अपने आप T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि T2 कितना आने वाला है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने से फाइनल टेम्परेचर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई फाइनल टेम्परेचर की। स्टूडेंट इसके बाद हमसे क्या पूछा है, इसके बाद हमसे पूछा है द वर्क दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन द गैस, यानी आपको ये बताना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा। भाई तुम लोग जानते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का इंटरचेंज होता है 0 के बराबर। सो स्टूडेंट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस के डेल्टा यू, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू। कंडीशन देखिए क्या बनेगी, माइनस एफ बाय टू एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। स्टूडेंट यह आपके पास में वर्क की वैल्यू निकल जाएगी, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, अपॉन में है 2, एन है नंबर ऑफ मोल, गिवन है 4 है, आर है गैस कांस्टेंट, टी टू है फाइनल टेम्परेचर जो यहां से निकलेगा, और टी वन है इनिशियल टेम्परेचर जो दे रखा है 300 केल्विन। तो बच्चों यहां से हमारा निकलेगा वर्क डन और यहां से निकलेगा फाइनल टेम्परेचर। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएं और फाइनल टेम्परेचर और वर्क डन निकालने के बाद में कमेंट्स में अपना आंसर मेंशन करें। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, फिर हम लोग उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। बाकी मैं अभी 2 क्वेश्चन इसके जैसे आप लोगों को करा चुका हूँ, आसान है, आप खुद ब खुद अपने आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब कुछ कुछ इसके अंदर इतना कुछ खास बचा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम हो गई है आप लोगों के ऊपर, तो अभी आप इसे नोट डाउन करिए और फटाफट सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन की बात हम लोगों ने कर ली है, और इससे पहले भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई थी जो इम्पॉर्टेंट थी। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख कर रखें। लास्ट में हमारे 2 टॉपिक बच रहे हैं, उन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है। बच्चों पहला टॉपिक क्या है जो हम लोगों को पढ़ना है, तो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, पहले टॉपिक का नाम है हीट इंजन।
काफ़ी ज़रूरी चीज़ है यार हमारे लिए ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे, तो हमें इसकी सभी कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हीट इंजन, हम थ्योरेटिकल वे में हीट इंजन को बिल्कुल नहीं समझेंगे, हमें हीट इंजन को ऐसे समझना है कि अगर इसके अंदर से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है तो हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दें। तो नाम से काफ़ी क्लियर हो रहा है, हीट इंजन यानी ऐसा इंजन जो मैकेनिकल, जो ऐसा इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो हमारा हीट इंजन है। बच्चों हीट इंजन के अंदर तीन मेन पार्ट हम लोग मानकर चलते हैं, ठीक है, जरा समझिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वाले को स्टूडेंट हम लोग नाम देते हैं सोर्स, इसे हम लोग नाम देते हैं सिंक, और ये होता है वर्किंग एरिया या पिस्टन इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर हम लोग इसे बोलते हैं। होता क्या है बच्चों, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, ये काफ़ी गर्म है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, ये सोर्स के कंपैरिजन में ठंडा है। आप ऐसा मानिए कि जो इंजन के अंदर का टेम्परेचर है वो तो है T1, और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है T2, और ये लगा हुआ है वर्किंग एरिया यानी पिस्टन यानी सिलेंडर, जहाँ पर सिलेंडर पिस्टन मूवेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट होता क्या है, बेसिकली हम लोग पढ़ के आते हैं, ये गर्म है ये ठंडा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से कुछ हीट यहाँ निकलेगी, उस हीट को हम नाम देंगे Q1। ध्यान से मेरी बात को आप लोग सुनिएगा, सोर्स के अंदर से थोड़ी सी हीट बाहर निकली जिसे हम लोगों ने नाम दिया Q1, या इस Q1 को आप लोग कह सकते हैं इनपुट हीट। कुल मिलाकर जो टोटल इनपुट हीट है जो यहाँ से बाहर निकली है उसे हम लोगों ने नाम दिया स्टूडेंट Q1। सोर्स के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में यहाँ से इतनी हीट बाहर निकल गई। अच्छा, जब ये Q1 हीट यहाँ पहुँचती है स्टूडेंट, जब ये Q1 हीट यहाँ पहुँचती है तो ये वर्किंग एरिया या ये सिलेंडर यहाँ से इस हीट में से W हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। भाई Q1 तो 100% है जो सोर्स के अंदर से निकली है, इस वाले सिलेंडर में क्या किया, इस 100% में से थोड़ा सा हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर दिया और यहां भेज दिया स्टूडेंट। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर टोटल हीट ये है और W का हमने वर्क कर दिया है, भाई टोटल हीट इतनी सोर्स के अंदर से निकल कर आई, W का हो चुका है वर्क, तो कितनी हीट अपने पास में बचेगी जो हमारी जाने वाली है सिंक की तरफ, यानी जो हीट हमारी वेस्ट होने वाली है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात, टोटल इनपुट इतना आया, इसमें से इतना तो वर्क में कन्वर्ट हो गया, इतना हमारा सिंक की तरफ चला गया, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, W की वैल्यू हमारे पास में निकलने वाली है बच्चों Q1 माइनस के Q2। अब आप एक बात सुनिए बिल्कुल ध्यान के साथ में, भाई हमारे लिए आउटपुट क्या है बच्चों, हमारे लिए आउटपुट वो है वो हीट जो सिलेंडर को यानी सिलेंडर के अंदर कंज्यूम हो रही है, वो हीट जो पिस्टन को मूव कराने में खर्च हो रही है, उसे हम लोग आउटपुट का नाम देंगे। हमने कहा भाई टोटल हीट इतनी आई, इतने में से इतनी हीट हमारे काम की है, इसका मेन काम है इंजन को चलाने का, तो मैं कहूँगा कि जो W है ना बच्चों हमारे पास में स्टूडेंट, जो ये जो W है हमारे पास में, ये हमारे लिए बन चुका है आउटपुट हीट। W हमारे लिए बन चुका है आउटपुट हीट, और ये जो Q1 इनपुट हीट आई है ये हमारे लिए बन चुकी है, ध्यान से, इनपुट हीट। Q1 हमारे लिए बन चुकी है इनपुट हीट और W हमारे लिए बन चुका है आउटपुट हीट। अच्छा, अब किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है बच्चों, एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, आउटपुट हीट अपॉन इनपुट हीट मल्टीप्लाई बाय 100। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू W को हमने आउटपुट माना, W को हमने आउटपुट इसलिए माना क्योंकि जो W है वो वर्क है और इतना वर्क इंजन को चलाने में यूज में आ रहा है, तो इसीलिए हमने W को आउटपुट स्टूडेंट मान लिया है। इनपुट, इनपुट का मतलब है कि टोटल कितना आ रहा है, अरे भाई टोटल आ रहा है Q1, तो मैंने लिखा अपॉन में Q1 और मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। ये हमारे पास में एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। देखो एक बार और समझो आप ध्यान से, भाई मैंने आपसे कहा कि ये सोर्स है,
T1 ये काफी गर्म है, ये सिंक है, ये इसके कंपैरिजन में ठंडा है और बीच में ये एक सिलेंडर लगा हुआ है। तो आप ये देखिए कि यहां से कितनी हीट आती है, Q1 सोर्स के अंदर से। सोर्स जो है वो इनफाइनाइट हीट का रिजर्वर है बच्चों, इतनी हीट वहां से आती है Q1। इस Q1 में से W हीट को हमने यूज कर लिया और जो बाकी की एक्स्ट्रा हीट बची जिसे हमने Q2 नाम दिया वो सिंक की तरफ चली गई है, ये कंडीशन है। तो हीट इंजन के अंदर पहला फॉर्मूला आप लोग बड़े अच्छे से समझ जाइएगा, ये पहला फॉर्मूला है अपने पास में, मतलब बेसिक है लेकिन यूज में आता है, आप ध्यान रखिएगा। टोटल हीट इतनी आती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर यह पहला फॉर्मूला बच्चों बनाया है। ओके, सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट, जरा समझिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है W, ये हमारे लिए आउटपुट है और ये हमारे लिए इनपुट है, W/Q1। W को हम लिख सकते हैं Q1 - Q2/Q1 × 100। बच्चों ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा जरा समझिएगा, कितनी हीट यहां से आ रही है Q1, कितने टेम्परेचर से आ रही है T1। सो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। सो Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। बच्चों एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला अपने पास में बन गया है, T1 - T2/T1 × 100 या 1 - T2/T1 × 100। स्टूडेंट ये हमारे पास में सारे के सारे जितने आपके सामने दिखाए गए हैं ये सारे के सारे एफिशिएंसी के फॉर्मूले हैं। अगर हमें किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल में लेकर आने वाले हैं। T2 सिंक का टेम्परेचर है और हीट इंजन में ये जगह ठंडी होती है, यानी इसका टेम्परेचर कम होता है। T1 सोर्स का टेम्परेचर है, हीट इंजन में ये जगह गर्म होती है यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप ध्यान रखेंगे। और ये सारे तरीके हैं स्टूडेंट हमारे पास में एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के, इन सारे फॉर्मूलों से हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे किसी भी हीट इंजन की। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताता हूँ इसके ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए बच्चों बेसिक क्या है अपने पास में, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं अच्छी लेवल की उनकी हम बात करेंगे। देखो बेसिक क्या है, ये सोर्स, ये सिलेंडर और ये है सिंक। ठीक है, देखो हुआ क्या, ध्यान से, यहाँ का टेम्परेचर मुझे दिया गया है 6000 केल्विन, यहाँ का टेम्परेचर मुझे दिया गया है 500 केल्विन। बच्चों हमें ये कहा, ये कंडीशन है कुल मिलाकर, और यहाँ से जो हीट बाहर जा रही है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से जो हीट सिलेंडर को जा रही है यानी जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वर्क, वो हम लोगों को कहा कि बच्चों हम वर्क कर रहे हैं 500 जूल, जो वर्क हो रहा है वो 500 जूल हो रहा है, 500 जूल। अब हमसे क्या क्या पूछा है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम इसके अंदर बता सकते हैं वो सारी हम लोगों से पूछ ली है। पहली बात हमसे पूछी है एफिशिएंसी बताइए कितनी होगी, दूसरी बात हमसे पूछी है Q1 सोर्स के अंदर से कितनी हीट बाहर निकलेगी, यहाँ से जो हीट बाहर निकलती है उसे Q1 बोलते हैं ना, Q1 बताइए कितना होगा। फिर हमसे पूछा है कि Q2 बताइए कितना होगा, समझना है, दिमाग पर जोर डालिएगा, अच्छे से करिएगा बिल्कुल। तो अभी आप ये देखो कि हम लोगों को गिवन क्या क्या है, एक तो वर्क गिवन है, एक T1 गिवन है, T1 यानी सोर्स का टेम्परेचर और T2 यानी सिंक का टेम्परेचर हम लोगों को गिवन है। सो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं बच्चों, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये 1 - T2/T1 × 100, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - बच्चों T2 क्या है, T2 है सिंक का टेम्परेचर, कितना है 500 केल्विन। T1 क्या है, T1 सोर्स का टेम्परेचर कितना है 6000 केल्विन, ठीक है, × 100। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/12 और 1 में से 1/12 को माइनस करेंगे 11/12 × 100, ये हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग, ये हमारे पास में एफिशिएंसी आ गई है
कि ये जो इंजन अपने पास में है इसकी एफिशिएंसी 11/12 मल्टीप्लाई बाय 100 होगी। चलिए एफिशिएंसी तो परसेंटेज में हम लोगों ने निकाल दी, अब एफिशिएंसी के साथ साथ हमें Q1 और Q2 भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि Q1 जो है ना वो टोटल हीट है और यहाँ आकर Q1 दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, वर्क में और Q2 में। तो मैं लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। W मेरे पास में है, अगर इन दोनों में से एक भी मुझे मिल जाए तो दूसरे की वैल्यू तो मैं बड़े आराम से निकाल दूंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा जरा समझिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है बच्चों वो ये है। कई बार हम बेसिक फॉर्मूलों को ना छोड़कर चलते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें हर बात पर ध्यान देना है। W क्या है, आउटपुट यानी इंजन के अंदर कितना वर्क किया गया है, और Q1 क्या है, इनपुट। सो W हो गया आउटपुट, ये हमें गिवन दे रखा है 500, इनपुट हमें निकालना है, एफिशिएंसी की वैल्यू है 11/12, मैंने परसेंटेज में नहीं ली वैल्यू, वो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता, इधर भी आता इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने सीधा एफिशिएंसी की वैल्यू 11/12 ले ली है। अब आप ये देखो कि यहाँ से Q1 कितना निकलेगा, Q1 निकलेगा 500 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 11, निकल गया है Q1 इतना। अब W भी तुम्हें पता है, Q1 भी तुम्हें पता है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, Q2 निकल जाएगा। तो स्टूडेंट हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि भाई हमें निकालना क्या है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है, हमें Q1 निकालना है, हमें Q2 निकालना है। फिर हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, T1 गिवन था, T2 गिवन था और W गिवन था। तो T1 और T2 का यूज तो किया हमने एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है, निकल गई एफिशिएंसी। फिर एफिशिएंसी का हमने यूज किया Q1 निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q1, Q1 यहां से निकल जाएगा। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके यहां से Q2 को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ आई होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या इसके ऊपर। देखो बच्चों अगला एग्जाम्पल क्या है जरा समझिएगा, सोर्स मान लीजिए कि यहां का टेम्परेचर आपको दे रखा है 500 केल्विन, यहां का टेम्परेचर स्टूडेंट हमें पता नहीं है, हमें देखिए क्या कहा गया, आप जरा समझिएगा बिल्कुल ध्यान के साथ, हम लोगों को क्या कहा गया है, हम लोगों से ये कहा गया कि सिलेंडर के अंदर जो एनर्जी खर्च हो रही है वो 100 जूल है और जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो 50 जूल है। तो आपको बताना है कि Q1 कितना होगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा और एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। लैंग्वेज को समझना है, आज तो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही करा रहा हूँ, कल हम सारे वो सवाल करेंगे जो मेंस में एडवांस में या नीट में पूछे जा चुके हैं, तो उनकी लैंग्वेज से आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है। और बच्चों आधे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं, समझना है आप लोगों को ध्यान से। अब आप ये देखिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, Q1 फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है, बस ये तीन चीजें हमें निकालनी है। गिवन क्या है, वर्क गिवन है और Q2 गिवन है। तो सोचो यार, हमें सिर्फ यहाँ का टेम्परेचर, ये और ये तीन चीज गिवन है, हम इन तीन चीज को कैसे यूज करें, वर्क को और Q2 को। Q2 क्या है, एनर्जी जो सिंक की तरफ जा रही है, और W क्या है, वर्क। हम इन्हें कैसे यूज करें कि हम यहां से निकलने वाली हीट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए, कैसे यूज करेंगे। तो आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, टोटल एनर्जी जो सोर्स से निकलती है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। अब तुम्हें तो दोनों दे रखी हैं यार, Q2 दे रखा है 50 और ये दे रखा है 100, सो आंसर इज 152। बच्चों पहला आंसर तो यार बड़ा इजी था, आराम से निकल गया भाई, यहाँ एनर्जी चलेगी 100, यहाँ चलेगी 50, तो सोर्स के अंदर से हमारी 150 जूल की एनर्जी फाइंड आउट हुई है, इतनी एनर्जी हमारी सोर्स के अंदर से निकली है। समझ गए सभी लोग इतनी बात, इतना वर्क हो गया, इतनी सिंक के पास चली गई, तो टोटल एनर्जी कितनी आई होगी, इन दोनों के सम के बराबर टोटल एनर्जी आई होगी।
अब हम निकालते हैं बच्चों एफिशिएंसी को। देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q1। बड़ा इजी गया, W तो तुम्हें दे रखा है 100 है, Q1 तुम्हें दे रखा है 150, तो W हो गया 100, ये हो गया 150, आंसर इज 2/3। अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 अप्रोक्सीमेटली 66% के आसपास कहीं हमारा आंसर बन जाएगा, 66-67 इतना ही बनेगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी हमने निकाल दी, Q1 भी निकल गया, एफिशिएंसी भी निकल गई। अब हमें निकालना है T2। देखो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ T2 निकालने का, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है। Q1 कितना है भाई हमारे पास में 150, Q2 कितना है 50, T1 कितना है 500 और अपॉन में क्या है T2। तो बच्चों यहां से हमारा T2 फाइंड आउट हो जाएगा कि सिंक का टेम्परेचर रहने वाला कितना है, कितना हमारा सिंक का टेम्परेचर रहेगा। नोट डाउन करिए आप लोग। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने आप लोगों से बात की, पिछली 3 प्रॉब्लम्स हमारी बच रही थी उनने हमने डिस्कस किया, और उसके बाद में हीट इंजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और ये हीट इंजन के ऊपर एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम हमने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से हीट इंजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को अपने आप सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। सोर्स का टेम्परेचर है स्टूडेंट 223 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बाहर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डेटा आप लोगों को दे रखे हैं। ये कहा गया कि यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो 100 जूल की है, यानी सिंक में जो हीट जा रही है स्टूडेंट, सिंक में जो हीट जा रही है वो 100 जूल है। आपको बताना है सोर्स से कितनी हीट आएगी और वर्क में कितनी हीट कन्वर्ट होगी, यानी एक तो Q1 आपको फाइंड आउट करना है, एक वर्क आपको फाइंड आउट करना है, और एक इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है, प्रॉब्लम आपके सामने है। देखिए जब क्वेश्चन करने आप लोग बैठेंगे ना, तो पहला काम यह है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों को दिया गया है। T1 दिया गया है, केल्विन में बदलना पड़ेगा। T2 दिया गया है, केल्विन में बदलना पड़ेगा। Q2 दिया गया है, इसमें इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जूल में है। एक तो Q1 निकालना है और एक वर्क निकालना है और एक एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले उन सारे फैक्टर्स, उन सारी क्वांटिटीज़ को आप लिख लें जो आप लोगों को गिवन दी गई है, उसके बाद आप उन फैक्टर्स और उन क्वांटिटीज़ के ऊपर काम करें जो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, तो सभी कंडीशंस आपके सामने हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से बनानी है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाएं और कमेंट्स में क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेंशन करें। तो थर्मोडायनामिक्स में बच्चों अब हमारे पास में सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है और उसका नाम है रेफ्रिजरेटर। कल हम लोगों की यानी ट्यूसडे हम लोगों की थर्मोडायनामिक्स की लास्ट क्लास होगी। उस क्लास के अंदर एक तो हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन की प्रॉब्लम्स करेंगे, थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम करेंगे, KTG, मतलब आप ये समझिए कि आपका रेफ्रिजरेटर के साथ साथ कल ओवरऑल रिवीजन है पूरे थर्मोडायनामिक्स का। ट्यूसडे हमारा ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है, आप लोग प्रॉब्लम्स लगाएं और मुझे व्हाट्सएप करें। जो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उसकी एक पिक लेकर आप मेरे पास में व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी स्टूडेंट दे सकें। ठीक है।